यार ना आज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। पता है क्या हुआ कि मैं जो है ना इन लोगों को अंडे के लिए बिठाने के लिए मैं मुर्गियों को पकड़ रहा था तो ये नीचे कूद गए। नीचे कूदने के बाद यार एक जो बच्चा है ना वो देखिए वहाँ पर जो बंद दिख रहा है आपको, तो वो जो है ना पूरा नाली में घुस गया। मुझे इतनी ज़्यादा घिन आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने बोला अगर मैं इसे छोड़ दूंगा ऐसा तो फिर यार ये जो है या तो बाहर होके उसको जो है कौवे उठा के ले जाएंगे या तो फिर जो है इसको चील वगैरह या उससे भी बच गया तो कुत्ते इनको मार देंगे। तो अभी जो है मैंने इसको देखो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको क्वारंटीन किया हुआ अलग ही, क्योंकि यार ये गंदा हो चुका है। मैंने इसको नहला दिया, वैसे सब कर दिया, उसके बाद मुझे भी नहाना पड़ गया। तो अभी शाम का वक्त हो गया है और इन लोगों को अब जो है मैं बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने इन सबको अंडे के लिए बंद कर रहा था कि यार ये अंडे दे दे, क्योंकि एक भी अंडे नहीं दे रही है। तो अब हम इनको फटाफट से छोड़ देते हैं, इवनिंग डाइट देते हैं और उसके बाद इनको बंद कर देंगे। शाम के वक्त में मैंने ये सब चीज़ें डाइट देने वाला हूँ जो कि ये काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं बट, लेकिन मैं जो है ना इनको ऐसा नहीं दे सकता, इनको जो है ना इसके अंदर ही देनी पड़ेगी। हटो हटो, खाओ आराम से, देखो कितने सारे सब दूध के अंदर ही घुस गए। तो ये अच्छी बात है कि ये सब के सब अभी जो है मज़े से खा रहे हैं। हमारे रैबिट्स भी उधर घुस गए हैं, वैसे उनका काम तो नहीं है उधर लेकिन फिर भी वहाँ घुस गए। चलो भाई तुम भी इधर चले आओ। सुबह होते से ही सबसे पहले देखिए मैंने इनको जो है इतने सारे जो हमारे पास वेजिटेबल थे वो डाल दिए, और हमारे घर का जो बचा हुआ था जिसे हम लोग जो है हमेशा डालते रहते, जिनसे क्या रहता है ये लोग अच्छे से खाते हैं, शौक से खाते हैं। तो अभी जो है कि इसके अंदर पपीते वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, चाय की पत्ती, नींबू वगैरह सब चीज़ मिक्स है, मतलब इनको सब चीज़ मिल जाएगी भाई एक ही दिन के अंदर। और आज मौसम बड़ा साजगार है हमारे लिए तो नहीं क्योंकि बहुत तपिश है, बट हाँ डेफिनेटली हमारे कबूतरों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि बीमार थे। तो अब जो है उन लोगों को एक फ्रेश और एकदम कहते हैं ना जो एकदम कड़क धूप आप आज जो है इनको देखने को मिलेगी। सो हाय दिस इज उमर एंड वेलकम टू पैराडाइज ऑफ पेट्स। सो आज की व्लॉगिंग के अंदर आपको हम दिखाने वाले हैं हमारे पेट्स के फिर से कुछ न्यू अपडेट्स। तो उसमें सबसे पहले बता दूं कि मैं आज जो है यहाँ पर अपने पास आया था ना, तो मैंने यहाँ पर कल जो एक हमारा जो एक मतलब ये कहते हैं ना रूम था, इसको हम लोगों ने जो है अभी जो है ना मेडिकल स्टोर बना दिया है। तो जहाँ पर जो हमारे जितने भी कबूतर थे वो सब यहाँ पर रहते हैं, मतलब बीमार कबूतर, और बाकी जितने हैं उनको हमने ब्रीडिंग्स के लिए ले लिया है। देखिए आप तो सारे के सारे अभी ब्रीडिंग्स के हिसाब से रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अरे यार आते के साथ एक सैड न्यूज़ मिल गई यार, ये तो कल अच्छा हो गया था, कल ठीक था ये, आज इसको क्या हो गया यार अचानक से। और यार इतना प्यारा कबूतर था यार, ये वेट वगैरह सब कुछ अच्छा है इसका, बट स्टिल पता नहीं क्या हो गया यार ये अचानक से भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन है अभी जो है ना, बीमारी इतनी ज़्यादा कड़क है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी अभी हमने जो पेयरिंग करी है माशाल्लाह वो सभी बहुत अच्छे हैं, सभी के सभी लगभग जो है फुल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। बस इसमें से कुछ जो पीजन्स थे जिनकी पेयरिंग भी बाकी है, जैसे एक बुखारे का जो मेल था हमारा वो भी लगभग कल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी, आज देखते हैं कि उसको क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी कल जो है बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में था, बट स्टिल अलाइव है भाई। ये देखिए चार दिन से इसकी सेम कंडीशन है और ये स्टिल अलाइव है, और वो जो है कल तक इतना ज़्यादा मतलब वो था, देखिए यार ये कितना ज़बरदस्त, मतलब अल्लाह की कुदरत देखिए, ये चार पाँच दिन से जो है ये ऐसा की ऐसी सिचुएशन में, मतलब उठ नहीं पा रहा है, मैं से हैंड फीड कर रहा हूँ और स्टिल अलाउ अलाइव, और वो कल अच्छा था और आज हो गया। और अभी हमारे बाकी सभी परिंदे भी जो है फुल बढ़िया हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं इन सबको सबसे पहले धूप दे देते हैं ताकि ये अपनी धूप को इंजॉय कर लें। लगता है भाई मौसम भी हमारी मज़े ले रहा है, हमने बस यहाँ इनको रखा और छाव आ गई, क्या करें यार समझ नहीं आ रही है कुछ। तो अभी खैर हम इसको यहाँ रखे रहने देते हैं, उम्मीद है कि वापस से धूप आएगी और फिर से जो है यहाँ पर, चलिए चलिए आ गई फाइनली आ गई एकदम, मतलब क्या हो रहा है कि एकदम से देखिए फिर छाव आ गई तो ठीक है बहरहाल ये अभी बहुत ज़्यादा भयंकर बुरा भी लग रहा है, हंसू क्या रो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। हमारा इतना प्यारा ब्यूटीफुल पिजन सैंडल कलर का मैंने बुलवाया था, इतना कॉस्टली था और वो यार एक्सपायर हो गया, ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एकदम पिजन्स के अंदर यही मुझे सबसे ज़्यादा बुरी दिक्कत लगती है यार। मैंने इन बीमार कबूतरों को तो दाना दे दिया है, मतलब ये बीमार तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा खा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको शिफा दे दिया, और ये लोग अब मेरे पैरों में पड़े हुए हैं कि भाई खाना दे दो, और इनको यकीन मानो अब मैं तो तीन बार दे चुका हूँ, सब खा लेते ठीक है आराम से, अब मत मांगना।
तो ये अभी ये लोग भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, और हम लोगों ने हमारे पिजन लॉफ्ट, जा भाई तू क्यों यहाँ खड़ा है, जा तू भी जाके खाना खा। तो हम लोगों ने जो है हमारे पिजन लॉफ्ट को मैं सभी को दे दिया है दाना माशाल्लाह। देखिए हमारे जितने भी कबूतर हैं फुल अच्छे से खा रहे हैं। अभी जो है हम लोगों ने पेयरिंग करी है कि ये नई वाली पेयरिंग करी है, और जो है हमारे वो हैवी बूट के बच्चे थे उनकी करी है। इनको भी हम लोगों ने बोला है कि भाई अब बस बहुत टाइम आप फ्री रह लिए, अब आप ब्रीडिंग करो। तो अभी कुल मिला के हमारे सभी कबूतर जो है यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए रेडी करे हैं हमने, और अब इनसे बहुत जल्द हम लोग ब्रीडिंग लेने वाले हैं और आपको उसकी प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं। अभी तो सबसे पहले हमने ये हमारे भाई को ही डाला दिया, क्योंकि इसको जो है ना छुड़ी हुई रोटी डाल दो ना तो ये आराम से खाता है। अभी कल मैंने इसको मिक्स फीड दिया था, जो इसकी जो मैक्स सीड आती है। हाँ भाई पांडा भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे हैं। इसको मैंने बांध के रखा क्योंकि बहुत बदतमीजी करने लग गई यार इसने, आज ना खाने के बाउल में पोटी कर दी, बोलो अब क्या बोलूँ मैं इसको। और जो है हमारी ये एंजल और इन सबको तो हमने फ्री कर दिया। क्या एंजल ए बेटी, ये जो है ना ये अभी थोड़ी सी हमारी ये जो कैट है ना ये प्रेगनेंट है। ए तू क्या कर रहा है, ये हमारी जी कैट है ब्यूटीफुल है लेकिन ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये परेशान करती है। क्या है तू क्यों मार रहा है मुझे, तू क्यों मार रहा है मुझे, क्यों मार रहा है, तू मार रहा है, तू मार रहा है, ये बता क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है बता। ये वाली जो है ना इसको हमने जो है अभी बांध के इसलिए रखा है ना क्योंकि इसने पोटी गलत जगह कर दी थी। हम लोग लिटर वगैरह सब ला के रखते हैं लेकिन फिर भी यार देखो यूज़ नहीं होती, और देखो वो पहुँच गए वहाँ पर जो है ना उसके खाने के ऊपर नज़र लगाने। ए खाने पर नज़र नहीं लगाना ठीक है। देखिए मैंने इनको क्या हुआ था, दोपहर में आकर जो है ना थोड़ा देर खुला छोड़ दिया था क्योंकि ये पेयर से जो है अब मुझे ब्रीडिंग करानी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पेयर। आप साइज़ देखेंगे ना तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, और ये हमारी बुखारो फीमेल ये भी देखिए आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके लेग बूट्स भी माशाल्लाह इतने प्यारे हैं ना, और ये इतनी बदसूरत है ना कि इससे मैं क्या बताऊँ तुमको। साली कुतिया चिल्लाया करती है, अब देखो जब इतना खाना पीना देने के बाद ये का का का। तो ये हमारे ब्रह्मा भाई साहब और हमारे ये सभी पिजन्स को जिनको हम लोगों ने बाहर रखा था धूप के लिए, अब जैसे शाम हो गई है तो अब जो है इनको हम अंदर कर देंगे क्योंकि ठंडी हवाएं कहीं ना डैमेज ना कर दे। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा। और आज हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं करने के लिए लेकिन फिर भी जो है हमने आपको हमारे डेली ब्लॉग जो हम लोग डेली क्या करते हैं ना वो देखो आप लोग, ये देखो ये ऊपर चढ़ चढ़ के मुझे परेशान करते हैं, तो हम लोगों ने यही सब दिखाया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।